कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आज ईद सबको मेरी तरफ ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक हो। आज माशाल्लाह से बकरा ईद है फाइनली। सो जी, आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे अपने अपने घरों में और ईद को फुल एंजॉय करें होंगे। मैं यहाँ पे जी सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करी थी अपना। अच्छा, ये शाही टुकड़े मैंने रात में बना के रखे थे, लेकिन मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बहुत ही मज़ेदार बने थे और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक दफ़ा मैंने पहले बनाए थे, वो इतने अच्छे नहीं बने थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर था। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ लास्ट में किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं बना लिए लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि जैसे कि आपने मेरा जान रात वाला व्लॉग देखा होगा कि मुझे आप ही की तरफ जाना था, मैं आप ही की तरफ गई थी और रात को तकरीबन 12-1 बजे मैं वापस आई थी और मैं इतना थकी हुई थी ना कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं शाही टुकड़े ना बना के सोऊं, लेकिन मैंने फिर रेसिपी उसकी रिकॉर्ड नहीं की। सुबह सबने ईद नमाज पढ़ने जाना था, फिर अब्बा और भाई दोनों मेरे वो ईद नमाज पढ़ने चले गए थे, मीठा खा के ही गए थे और वापस जब आए थे ना, फिर उन्होंने आते साथ ही ना कुर्बानी जो करी, क्योंकि वो मौलवी साहब को साथ ले गए थे, तकबीर मौलवी साहब ही करके गए थे। अब्बा या भाई दोनों में से ना कोई भी तकबीर नहीं कर सकता, यानी कि ये ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, बट वो ना बहुत ही हसास तबीयत के हैं, वो ये चीज़ नहीं कर सकते। बाकी भाई ने सारा कर लिया था साथ में हमजा ने, लेकिन ना बस तकबीर वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो बस फिर वो आ गए थे मौलवी साहब, उन्होंने तकबीर कर दी सुबह सुबह ही, तकरीबन 8:30 बजे ही, आठ बजे हो गई थी हाँ। तो उसके बाद फिर ना वो गोश्त बना रहे थे और उन्होंने सबसे पहले मुझे ना ये दिल और कलेजी निकाल के दे दी थी और बस मैं यहाँ पे ना कट कर रही थी, कट करके फिर मैं ना ये बना लूँगी सालन, और सालन की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। और मुझे बताएं किस किस घर में ना सुबह ई बकरा ईद पर ख़ास तौर पर सुबह सुबह जो नाश्ता होता है ना वो कलेजी का होता है। हमारे पूरी फैमिली में ऐसे ही है कि सुबह सुबह कुर्बानी के बाद जब सबसे पहले जो नाश्ता होता है ना वो कलेजी बना के हम उसी के साथ नाश्ता करते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आपने देखा कि मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया था और मैंने प्याज और टमाटर दोनों को ना अच्छे से ग्राइंड करके उसको खोलते हुए घी में डाल दिया था। मैं ऊपर ना कुकिंग ऑयल रख के भूल गई थी और उसके बाद मैं दूसरे काम में लगी, लेकिन वो इतना सारा गर्म हो गया था और जब मैंने उसमें डाला ना ये सारा पेस्ट, तो वो अच्छा खासा छींटे जो मेरे ऊपर आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अब इसकी भुनाई करूँगी और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी नहीं, सॉरी, मैं इसमें अभी ना डाल के रखूँगी कलेजी और दिल दोनों डाल के ना। अभी इसमें मैंने कोई स्पाइसेस कोई चीज़ नहीं डाली, बस प्याज और टमाटर के पेस्ट में मैंने इसको डाल दूँगी और इसको कवर करके ना रख दूँगी, और जब ये थोड़ा मतलब तकरीबन वो 50% कुक हो जाएगा ना, देन उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी कट लगा के, तो वो इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और अब स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और साथ में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने इसमें गरम मसाले का मतलब 1/4 टीस्पून मैंने वो ऐड किया था, साथ में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, बस मैंने ये और स्पाइसेस ऐड किए थे। और साथ में मैंने इसमें ना बाद में थोड़ा सा दही भी ऐड करूँगी, उसके साथ ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है और वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप गोश्त वगैरह में दही डाल के आप उसकी जब भुनाई करते हैं ना वो बड़ा मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पर सारी स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और इसको आप मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आपने ना कभी कलेजी बनानी हो ना मसाले वाली, तो ये लास्ट में आप लोगों ने ट्राई करनी है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी, इसकी भुनाई कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा भुनाई मैंने नहीं की थी, मतलब इतना है कि इसको डाल के ना थोड़ी 5-7 मिनट मैंने इसको स्टर करते हुए पका लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है, और दही ऐड करके ना इसको मैं इसमें 1 कप के करीब फिर ना मैं इसमें पानी डाल के इसको ऊपर से लिड लगा के ना छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, जो 50% इसमें रहती है गुंजाइश वो कुक हो जाए, साथ में सारे मसाले पक जाएंगे और साथ में जो ग्रेवी ना वो थिक हो जाएगी और ऑयल जो ना वो ग्रेवी से अलहदा हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ऊपर से लिड लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। और बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी तो बाहर दरवाज़ा नोक हुआ, तो हमारे सामने वाली जो आंटी ना उन्होंने ना मीठी सेवइयाँ बनाई थी देसी घी में, बहुत ही मज़े की बनी थी, तो वो दे के गई थी। तो वैसे तो यूजली ऐसे होता है कि हमारी ना पूरे मोहल्ले में ऐसा होता है कि छोटी ईद पे ख़ास तौर पे ना इस तरह से मीठा बना के लोगों के घरों में दिया जाता है, तो वो जो है ना आज आंटी देख गई तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे बाहर भाई लोग बैठ के ना गोश्त वगैरह बना रहे थे, ये लोग गोश्त बना लेंगे तो उसके बाद फिर बांटना है, बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगता है पहले तो लड़के काम कर रहे होते हैं सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद जो लड़कियों की ड्यूटी स्टार्ट होती है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस सारे के बीच में मैंने अपना कावा लेना बिल्कुल नहीं भूली, कहवा मैंने उस सारे ना दौरान ले लिया था, क्योंकि बाद में कलेजी का सालन पक जाएगा ना तो फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा देख के।
तो ये जी कलेजी की ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी थी, तैयार हो गई थी, सबको मैंने खाना खिला दिया था। आलिया खा रही थी मेरे साथ बैठ के और साथ में मैं खा रही थी, तो मेरा ना ये था कि मैं फिर रोटी नहीं ना ही खाऊं तो बेहतर है। तो फिर मैंने ना एक स्लाइस मल्टीग्रेन आटे का ले लिया था, तो उसके साथ मैंने खाना खा लिया। अच्छा जी, मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड तो नहीं होता, लेकिन खैर अभी काफ़ी ब्लॉग आगे चलेगा। लेकिन बहनी और पिया ने ना अपना ब्लॉग बना के मुझे सेंड किया था, जो कि उन्होंने रात को मुझे कह दिया था कि वो ब्लॉग बनाएंगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही करूँगी। तो आगे वो सारा उनका मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और उनकी आप बातें सुनिएगा और उनके आप फैशन देखिएगा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको ये मैंने ड्रेस ही का पहनी है और गाइस ये मेरी मेहंदी है। अब गाइस मैं आपको अपनी चीज़ों की तरफ लेके चलूँ। तो गाइस ये मेरी कोल्हापुरी है, ये मेरे नेल्स हैं तो मैंने लगाने हैं, मैंने इन पर नेल पॉलिश एंड क्लियर वाले लगा के इसमें रख दिया है। गाइस ये यूएचयू जिसका मैंने लगाना है। गाइस ये मेरी चूड़ियाँ छन छन वाली, ये आलिया कलेक्शन ने मुझे टॉप्स दिए हैं, वो आलिया कलेक्शन हमारे खाला ही हैं, टेंशन ना लेना। गाइस ये मेरी ईयरिंग ये फाइव रिंग्स हैं। और गाइस ये मैं भूल नहीं सकती, मेरा फेवरेट है, ये तो मैं ज़रूर पहनूंगी। तो गाइस कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? और नहीं गाइस ये एक दुपट्टा है मेरा नेट का पूरा। गाइस कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस वेल हमने मिलने वाला अपने मिलने वाले का उनके साथ रखा था। तो गाइस ना पहले कह रहे थे 9 बजे जीवा का ना 9 बजे, और मेरी मम्मा ने बताया फोन नहीं कर रहा है, बैल जीवा हो गया। और आप आएंगे ना तो घर मैं बताऊंगी सबको। तो बहनी को चढ़ गया गुस्सा, ये ऐसे वाला ऐसे। तो ये 3 लग चुके हैं, तो ये मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, मेरे पूरी नहीं लग गई हैं पूरी। हाँ जी, जूता। गाइस आपको कैसी लगी मेरी चूड़ियाँ प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे। और अब मैं पहनूंगी दिस वन। तो गाइस ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहना है, बाद में मैं ड्रेसेस चेंज करूंगी। तो गाइस ये मैंने अपने पहन ली है जो मुझे पसंद से भी पसंद है। तो अभी देख सकते हो, जिसको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? कैसे आप सब ठीक होंगे? खैरियत से होंगे जहाँ भी मैं जाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ईद मुबारक कहती हूँ। और यहाँ पे अब टाइम हो रहा है 8:22, 8:30 हो गए। तो मैं आपको ईद का ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह चीज़ें आज की दिखाने लगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मेरा जूता, जो कि न्यू लिया है, एंड साथ में दुपट्टा एंड ये चूड़ियाँ, ये नेकलेस है, ये जो है इसके साथ के टॉप्स हैं, नेल्स दिखाऊंगी और ये मैजिक नेल्स हैं, मैं आपको लगा कर भी दिखाऊंगी।